दूध वगैरह ला के रखी थी कि पहले आएंगे तो चाय पूछा जाएगा। हाँ। और मतलब फिर उसके बाद कुछ अधिकारी लोग आए, वो दूध वगैरह चेक इन करने लगे। हाँ। और चीनी का चेक इन होने लगा, चाय पत्ती का। तो हम लोग लोकल ही ऐसे ही कोई भी चाय पत्ती पा जाते हैं तो उसका चाय वाय बना के पी लेते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ। देखते हैं। हाँ। तो उनने बोला ये चाय पत्ती लोकल है, इसको चेंज किया जाए। जी, तो वो चाय पत्ती मैंने दूसरी मंगवाई और उसका चाय बनाया गया। और वो जब उन्हीं ने बताया जो दूध चेक इन किए, उन्हीं ने बताया आपको पता है कि कौन आने वाला है, तो मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने खुद ही बताया कि मोदी जी आने वाले हैं आपके घर। ये मीरा मांझी है, ये लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है, बगल में हनुमान जी की मूर्ति है और यहाँ प्रधानमंत्री मोदी का कप है। अब आप समझ गए होंगे, मीरा मांझी वही है जहां बीते दिनों जब अयोध्या में प्रधानमंत्री जी टहल रहे थे तो इन्हीं के घर चाय पिए थे और वो मीठी वाली चाय और वो कन्वर्सेशन पूरे दुनिया में वायरल हो गई थी। मीरा मांझी बड़े हंस के उस समय जवाब दे रही थी। मीरा मांझी का घर है, इस घर में आप देखेंगे प्लास्टर तक नहीं है, अभी भी प्लास्टर नहीं है, पंखे पर जाले लगे हुए हैं और यहाँ पर उज्ज्वला वाला जो प्रधानमंत्री जी का सिलेंडर है और ये गैस है, यहाँ पर खाना बनता है। प्रधानमंत्री जब यहां पहुंचे थे तो लोगों ने कहा था कि आम आदमी के घर भी प्रधानमंत्री जा रहे हैं और उनके हाथ से मीठी चाय पी रहे हैं, ये पूरे दुनिया में वायरल हुआ था। लेकिन उसके बाद से जब दूसरी नई तस्वीर आई थी कि भगवान की जगह पर प्रधानमंत्री मोदी का कप रख दिया गया, मतलब तुलना भगवान से हो गई कि जैसे एक पुरानी कहावत है लोग खड़ाऊ रख ले लेते थे, भरत जैसे भरत ने रखा था, उसी तरह मीरा मांझी ने यहां पर कप रख लिया है। ये भी अपने अब इनसे ही बात करते हैं कि ये कप आपने क्यों रख लिया, प्रधानमंत्री चाय पिए आप भी पीती हैं उसमें? जी नहीं, वो नया कप रखे थे और उसका उद्घाटन भी उन्हीं ने किया, तो उनको हम मैं भगवान का रूप समझती हूँ इसलिए मैं वहाँ रखी हूँ। जी, उनके वजह से मुझे छत मिला रहने के लिए और महीने भर का राशन मिलता है और बोले तो लाइट वगैरह भी और गैस मिला। पहले चूल्हे पे बनाते थे, बहुत दिक्कत होती थी, अभी गैस मिला, बहुत अच्छा लगा। और उन्हीं के वजह से मतलब मुझे टाइम भी मिल रहा है कि अपने बच्चों लोग को थोड़ा टाइम दे रहे हैं, तो वो कप प्लेट हम वहीं रखेंगे ना। जी अच्छा, ये कप प्लेट आपने नया खरीदा था? जी हाँ, नया ही था, उसमें मैंने एक भी बार यूज नहीं किया था, ऐसे ही रखा था, मतलब कि कोई आएगा तो उसको खास उसको। जी जी। हाँ। और उसके 10 दिन पहले मैं घाट पे चर्चा भी कर रही थी अपने सहेली से कि यार हम लोग के गरीब बस्ती में कोई नहीं आता, कोई नेता, कोई अधिकारी। हाँ। मोदियो जी नहीं आते, ऐसे ही बात कर रहे थे अपने सहेली से। और उसी 10 दिन के बाद ज्येष्ठ सरजुमा भेज भी देती हैं कि हाँ मीरा जी बातें करो, क्या बातें करनी है तुम्हें। और वो जब ज्येष्ठ मेरे सामने आ जाते हैं तो कुछ बातें ही नहीं निकलते हैं और बहुत अच्छा लगता है। जी नहीं नहीं, ये लोग ऐसा कहते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री कोई आम आदमी नहीं होता, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जहां जाते हैं उसकी बारीक चीजों को देखा जाता है कि प्रधानमंत्री यार देश के प्रथम नागरिक हैं। तो लोग कह रहे हैं कब SPG वालों ने भेजा होगा, चाय उधर से बन के आई होगी, इस टाइप की बातें भी समाज में है। आपने चाय खुद बनाई थी, ये कप आपका खुद है? जी ये कप मेरा ही है, क्योंकि ये जैसे कप मैंने ये मोबाइल बेच के लिया था, कोई झूठ नहीं बोलना है, मोबाइल बेच के मैं ली थी ये कप और रखी थी नया ही। और मतलब तो बड़ी महंगी चीज होती है, कप तो सस्ता। ये जैसे मोबाइल ना खराब हो गई थी तो यहाँ आते हैं लोग, तो मतलब मैं मोबाइल दे के उनसे कप खरीदी थी। तो कितने में मोबाइल बिका था? जैसे कि बिका नहीं था, वो बदल के देते हैं। जी तो 6 कप मेरे को मिला था, तो हाँ मैं संभाल के रखी थी क्योंकि अभी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो तोड़ देंगे उगर देंगे, तो मैं कप में किसी जैसे 100 के लिए रखी थी कि मतलब मेरे भी घर मतलब गरीब के घर कप है, इसलिए रखी थी मैं। और उस कप का उद्घाटन भी भगवान ही किए हमारे घर। अच्छा, वो मोबाइल कितने में मतलब आसपास, मतलब 200-300 रुपए की जगह उसका कप मिल गया होगा? जी जी। और ये प्लेट भी? हाँ, वो मोबाइल जैसे मेरा बच्चा गिरा दिया था, एकदम टूट टाट गया था उसका बनने मतलब का, जैसे कबाड़ एक्सचेंज करके एक तरह से आपने कप लिया और कप प्रधानमंत्री जी ने चाय जी, पी जी, जी। अब प्रधानमंत्री जी जब चाय पी लिए तो उसके बाद से यहाँ पर आते हैं, उनका पत्र आता है और पत्र में क्या लिखा, ये सारी चीजें हो सकता है आप लोग नहीं देख रहे हो, इससे पहले आपने ना देखा हो, तो वो नई चीजें जो लिखी है वो मैं बता रहा हूँ, पढ़ के सुना रहा हूँ। देखिए इसमें लिखा है, श्रीमती मीरा देवी जी, आपको व परिवार के सभी सदस्यों को 9 वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम की पावन नगरी अयोध्या में आप और आपके परिवार के सदस्यों के साथ मुलाकात और आपके द्वारा बनाई गई चाय पीकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये प्रधानमंत्री लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री का पत्र है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर कार्यालय से भेजा है।
अयोध्या से आने के बाद मैंने कई टीवी चैनलों पर आपका इंटरव्यू देखा, उनमें आपके व परिवार के अन्य सदस्यों का आत्मविश्वास जितने सरल सहज ढंग से आप लोग अपने अनुभव को साझा किया वह देखकर अच्छा लगा। आप जैसे करोड़ों परिवारजनों के चेहरे पर चेहरे की यही यह मुस्कान मेरी मुस्कान ही मेरी पूंजी है, सबसे बड़ा संतोष है जो मुझे देश के लिए जी जान से कार्य करने की नई ऊर्जा प्रदान करती है। आपकी उज्ज्वला योजना 10 करोड़वीं लाभार्थी बनना एक आंकड़ा भर नहीं, बल्कि मैं इसे करोड़ों देशवासियों के बड़े बड़े सपने व संकल्प के पूर्ण होने की एक नई कड़ी के रूप में देखता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अमृतकाल में आप जैसे आकांक्षा से परिपूर्ण करोड़ों देशवासियों को जटजीवता और उत्साह से एक भव्य विकसित भारत निर्माण में हमारे लक्ष्य को सिद्धि करने में अहम भूमिका निभाएंगे। बच्चों का स्नेह व परिवार के अच्छे स्वास्थ्य उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ये वही उज्ज्वला सिलेंडर आप जो वहां देख रहे हैं इंडियन का, यहां पर जो है ये वो 10 करोड़वां सिलेंडर है जो उज्ज्वला योजना के माध्यम से मीरा जी को मिला था। मीरा मांझी हैं और कहा जाता है कि एक मांझी ने ही प्रभु राम की नैया भी पार लगाई थी और प्रधानमंत्री मोदी भी एक मांझी के घर आके चाय पिए हैं। 2024 का चुनाव है तो इस बार आप नैया पार लगाएंगे जी? मतलब हमारे मांझी समाज में जितने भी लोग हैं सभी लोग उनका नैया पार लगाएंगे जी, जी। सभी लोग लगाएंगे जी। संजय निषाद आप ही के बिरादरी के हैं मंत्री, वो आए कि नहीं आए? जी आएंगे, मतलब उनके जो कार्यकर्ता लोग थे वो आए थे, हमको बधाई दे के गए, मतलब बहुत अच्छा लगा। वो भी आएंगे मिलने जी। अच्छा। चाय आप मीठी सही में बनाती है कि उस दिन बन गई थी? नहीं, मेरे से मीठी चाय बनती है और मतलब मेरे घर पे सभी बोलते हैं मतलब इसको चीनी का कोई वो ही नहीं कितना डालती है। हाँ। मतलब मीठा बन ही जाता मेरे से। तो उस दिन प्रधानमंत्री को पूरा भर के कप में दिया था चाय या दूध या अदरक ज्यादा था, क्या था, कैसे बनाई थी? नहीं चाय? मतलब मैं दूध रखी, मतलब जैसे मैं बनाती थी घर पे वैसे ही बनाई थी। पहले दूध रखी, हल्का सा पानी उसमें डाली और चीनी डाली, चाय पत्ती और काली मिर्च और छोटी इलायची बस। प्रधानमंत्री को अच्छा लगा चाय? हाँ। अच्छा ये कब पता चल गया था कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं? 1 घंटा पहले पता चला। 1 घंटा पहले ही पता चला था जी जी। हाँ? ये प्रधानमंत्री आपके वहाँ आ रहे हैं तो आपको तो कोई तैयारी करने का मौका ही नहीं मिला होगा? जी नहीं, जैसे मेरे से ये कहा गया था कि आपके घर कोई नेता भी आ सकता है खाना खाने और जो लोग बोले वो बोले कि मैं भी आ सकता हूँ। तो मैंने कहा आइए, हम लोग गरीब हैं तो क्या, मतलब जो भी रहेगा वो खिलाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको मतलब नहीं खिलाएंगे। तो मैं मेरे से बोला गया मैं आऊँगा ज़रूर, तो मैंने कहा ठीक है आइए आप लोग ना। तो सुबह मैं 4 बजे उठी और नहा, मतलब साफ़ सफाई करके घर का और नहा धो के खाना बनाना स्टार्ट कर दी और दाल चावल सब्जी बना के रखी, आटा सान के रखी कि ठंडी का मौसम है ताजी रोटी बनाऊँगी और दूध वगैरह ला के रखी थी कि पहले आएंगे तो चाय पूछा जाएगा। और मतलब फिर उसके बाद कुछ अधिकारी लोग आए, वो दूध वगैरह चेक इन करने लगे और चीनी का चेक इन होने लगा, चाय पत्ती का। तो हम लोग लोकल ही ऐसे ही कोई भी चाय पत्ती पा जाते हैं तो उसका चाय वाय बना के पी लेते हैं, ऐसा नहीं है देखते हैं। तो उनने बोला ये चाय पत्ती लोकल है इसको चेंज किया जाए जी। तो वो चाय पत्ती मैंने दूसरी मंगवाई और उसका चाय बनाया गया और वो जब उन्हीं ने बताया जो दूध चेक इन किए उन्हीं ने बताया आपको पता है कि कौन आने वाला है? तो मैंने कहा नहीं। तो उनने खुद ही बताया कि मोदी जी आने वाले हैं आपके घर। तब तो आपकी हालत खराब हो गई होगी। नहीं, हालत नहीं खराब हुई, उनने बताया कि इतना चिंता करने की बात नहीं है, जैसे आप लोग रहते हैं वैसे ही रहना, वैसे ही बोलना। हाँ। आप लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही बोलना, कोई डरने की बात नहीं है। और डरने की उनसे उनसे तो नहीं डरे, पर उनके जो गार्ड लोग थे उनसे थोड़ा डर लग रहा था। हाँ, वो पूरा घेर लिए होंगे, एकदम बंकर बना दिए होंगे। खैर, प्रधानमंत्री की सुरक्षा एसपीजी में रहती है तो निश्चित रूप से जहाँ भी प्रधानमंत्री जाएंगे पानी से लेके, मैं शुरुआत में भी इनसे पूछा कि घर की स्थिति नहीं वो जमीन के अंदर क्या है वो भी खंगाल लेते हैं इनके। अच्छा एक और सवाल मैं घर से सोच के आया था, ये पूछूंगा कि अगर मान लीजिए ये 1 घंटे पहले आपको पता चला, 1 दिन पहले पता चलता तो क्या करती? प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, 1 दिन पहले पता चलता तो क्या व्यवस्था करती? 1 दिन पहले पता चलता तो मेरे मोहल्ला वासी जितने भी मांझी लोग हैं वो सारे लोग मिलके मतलब सजावट करते अच्छे से और मतलब फूल वगैरह मंगवा के रखते हैं, माला वाला बनवा के रखते हैं और मतलब खाने में भी अच्छा सा अच्छा बनाते हैं उनके लिए। दोबारा प्रधानमंत्री जी को
बुलाना चाहती हैं? क्यों नहीं, उनके लिए हमारा दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। वो तो श्री राम के रूप में आए थे और हमेशा आते रहे। हाँ। मेरे घर बहुत अच्छा लगेगा। अब की बार मैं यही सोचूंगी कि उनको भोजन करवा के भेजे। तो राम जी तो आए थे, लक्ष्मण जी आए थे कि नहीं? योगी जी वो भी आए थे, पर वो बाहर ही खेल रहे थे बच्चों के साथ में। हाँ। गिट्टी वगैरह खेल रहे थे बच्चों को, जैसे 3 गिट्टी लें तो बोले कितना है, तो बच्चे लोग बोले कि 2, तो बोले 3, ऐसा। अच्छा, मोदी जी बस अंदर थे, योगी जी बाहर थे उस दिन, और बाकी सुरक्षा रही होगी। हमारे साथ इनकी पति हैं, ये मजदूरी का काम करते हैं, ईटा गिट्टी उठाने का, पर इनके घर प्राइम मिनिस्टर आए थे। ये उनकी पत्नी है और ये उनकी आपकी सास है माता जी, क्या नाम है? शिव कुमारी जी, आप मिली थी मोदी जी से? हाँ, बगले बैठी रहे, बगले बैठी थी। कुछ आपसे बातचीत हुई? अब बातचीत ये हुआ, जो पूछिन कि ठीक हो? हाँ। तो हम कहें हाँ। इलाज के बारे में कुछ? तो कहें कि क्या क्या लाभ पाई हो? तो हम कहें छत मिला भाई, 2.5 लाख मिला, घर बना, बम्बा लगा भाई, गैस सिलेंडर मिला भाई, नल मिला भाई, राशन भी मिलता है, सब मिला है सरकारी योजना। तो कहें तो ठीक है। हाँ। हम कहें खुश है, हम कहें खुश, बहुत खुश है, एकदम खुशी से आत्मा भरत जात है। हाँ, भर जा रही है। हाँ, भर जात। सूरज जी, जब से प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं तब से क्या स्थिति है? पहले से बहुत बदलाव आया है। पहले मजदूरी करते थे, अभी मजदूरी कर रहे हैं? अभी तो मैं जो है घर ही पे बैठा हूँ, कहीं मैं मतलब जा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि लोग आते हैं जाते हैं, तो मैं अगर रहता हूँ तो इनकी थोड़ी हिम्मत बनी रहती है बोलने में, थोड़ा और कुछ कोई सामान मान लो भी इस चाय वगैरह के लिए, तो मैं भी थोड़ा इनका हेल्प करता हूँ। और अभी तो फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस पहले यही मतलब दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था। मोदी जी आए, कुछ नौकरी वोकरी की बात क्यों नहीं कर ली आप? उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल दिए होते कि प्रधानमंत्री जैसे नौकरी एक्टिव दे दीजिए 4th क्लास या 3rd क्लास में, और जो भी है वो मतलब देख रहे हैं, कुछ ना कुछ हम लोगों के लिए जरूर करेंगे। उनसे क्या मांगे, अगर मैं उनसे कुछ मांगता तो मैं उन्हीं का अपमान करता। अच्छा जी, भगवान खुद आ गए? हाँ, वही तो मतलब भगवान आ गए, तो भी उस वक्त भगवान अगर सामने खड़े हो जाए तो मतलब क्या क्या मांगे, क्या क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आता है। दिमाग खराब हो जाता है। जैसे तैसे जो भी है हम लोगों ने मैनेज किया। तो हमारे साथ मांझी परिवार था अयोध्या का, ये वही परिवार है जिसके वहाँ प्रधानमंत्री जी 10 करोड़ उज्ज्वला योजना के बाद ये 10 करोड़ भी महिला बनी थी। तो प्रधानमंत्री जी इनके वहाँ आए थे, काफ़ी समय बिताया, चाय पिए, और चाय इन्होंने काफ़ी मीठी बनाई थी, और इन्होंने अपना कप जो है वो भगवान की तरह हनुमान जी के नीचे रख लिया है, और कहें प्रभु श्री राम खुद आए थे, और उनके पीछे योगी आदित्यनाथ भी बाहर थे, बच्चों के साथ खेल रहे थे। अब पुराने समय में अगर हम चले जाएँ तो एक केवट नहीं प्रभु श्री राम की नैया पार लगाई थी। अब 2024 का चुनाव है, प्रधानमंत्री मोदी 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले हैं, और तब देखना है कि दोबारा यहां आते हैं या नहीं आते हैं, और ये केवट 2024 के चुनाव में मोदी जी की नैया कितनी पार लगाते हैं। फिलहाल आप मेरे साथ अयोध्या थे, अयोध्या में हम आए हुए हैं, राम मंदिर का कवरेज कर रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।